बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में रहकर किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भी क्या काम किया जाए, किस तरह से अर्निंग की जाए, ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से तरीके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन अर्निंग के तरीके तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे मेथड से आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको उन मेथड का पता हो। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग उसी वक्त पॉसिबल है कि जब हम उनको सही तरीके से उन तरीकों को अप्लाई करें, उन मेथड को अप्लाई करें, उन वेबसाइट्स के जरिए हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, कोई भी अर्निंग के हम तरीके अख्तियार करें, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमें उन तरीकों का पता हो और हम उन एक सही तरीके से अर्निंग कर सकें। लोग सोचते हैं कि क्या काम करें, क्या कैसे करें, किस तरह से करें। तो पहले आप खुद सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एफिलिएट मार्केटिंग भी है, फेसबुक मार्केटिंग भी है, यूट्यूब मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, फ्रीलांसर भी है। आप को जिसमें दिलचस्पी ज़्यादा हो, सबसे पहली बात यह कि आपकी दिलचस्पी किस में ज़्यादा है, आप उसको सर्च करें, आप उसको देखें। तो जब जैसे जैसे आप देखेंगे उसके मेथड को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा यार ये मेरे लिए आसान है या ये मेरे लिए मुश्किल है। इसमें चूंकि स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, स्किल्स उसमें होती है कि अगर आप वेब डेवलपर्स करना चाहते हैं तो उसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए होती है। आप साइट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप चूँकि वेब डेवलपर्स का काम है उसमें भी आपको महारत आनी चाहिए। SEOs होते हैं उसमें आपको कोर्स करना होता है। तो चूँकि ये जो अर्निंग के तरीके हैं तो बहुत अच्छे हैं और इनमें फ़ायदा भी बहुत होता है, लेकिन ये उसी वक्त काबिल कबूल होते हैं या उसी वक्त आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपको इनके या आपने कोर्स किए हों। कोर्स भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको यानी कि वो कोर्स भी आपको करा सकती हैं। आप घर बैठे कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, पेड करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ थोड़ा बहुत तो कमा लूँ, पार्ट टाइम घर पे बैठ के कर लूँ, अपने जॉब से वापस आ करके अगर मैं 2-3 घंटे दे दूँ तो कुछ ना कुछ तो मैं अर्न कर लूँ, यानी कि अगर मैं महीने में 20-30 हज़ार रुपये कमा लेता तो ये भी ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम दें तो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो फुल टाइम है, अगर मैं एग्ज़ाम से फारिग हो चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे दे सकता हूँ, तो आप ऐसा कर लें, ज़्यादा काम कर लें, ज़्यादा अच्छा काम कर लें। अभी मैं आपसे कुछ साइट्स हैं या कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उसको समझने की कोशिश करें। मसलन अली एक्सप्रेस है। अली एक्सप्रेस जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, जहाँ से लोग ख़रीदारी भी करते हैं। पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में इस साइट से यानी अली एक्सप्रेस से लोग चीज़ें मंगवाते हैं। जो बड़े बड़े ताजर हजरात हैं दुनिया के किसी मुल्क पर रहते हैं वो अली एक्सप्रेस से, अली बाबा का भी आपने नाम सुना होगा, तो इन दो साइट्स से जो है वो चीज़ें मंगवाते हैं, अपने कंट्रीज में बेचते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो अली एक्सप्रेस जो है वो चाइना की एक बहुत मशहूर साइट है। यहाँ से आप अर्निंग करने का तरीका ये हो सकता है कि एक एफिलिएट प्रोग्राम इनका है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली एक्सप्रेस, आप लिखेंगे अली एक्सप्रेस एफिलिएट तो आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा। इस तरह आपने इसको ज्वाइन करना होगा, आप देख सकते हैं कि ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है। तो आप इनकी जो एफिलिएट की जो टर्म्स हैं उनमें आप वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इनको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ये कि अगर आपने कोई फेसबुक पेज बना लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर आपके पास कोई अपनी साइट से कोई कमर्शियल साइट है आपकी या कूपन्स की साइट है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
अपने ब्लॉग के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेसबुक के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एफिलिएट अर्निंग हो जाती है, इसको एफिलिएट अर्निंग कहते हैं, यानी कि आप उनके पार्टनर बन जाते हैं, आप उनकी चीज़ों को सेल करवाने में मदद देते हैं। तो वो जो कमीशन होता है, अगर फर्ज करें कि अगर वो $100 की कोई सेल है, कोई प्रोडक्ट $100 की सेल होती है, तो वो कहते हैं कि हम आपको उसका 10% देंगे, यानी कि $100 में से $10 वो आपको दे देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपने सिंपली जो है अपने अगर कूपन्स की साइट है तो वहाँ पे आपने इसकी वो बना करके आप उसको लगा देते हैं, या अगर आपके पास फेसबुक है तो फेसबुक पर आप उस प्रोडक्ट की इमेज वगैरह लगाकर और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल दे करके आप लिंक के जरिए लोग सेल करवा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में इस हवाले से भी बताऊंगा कि मैं इसके मेरा इरादा है कि कम से कम जितनी भी अर्निंग के तरीके हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक वीडियो बना के एक सीरीज वाइज आपको दिखाऊं। तो आप एक तरीका तो यही है कि आप इस तरह से अली एक्सप्रेस पे चले जाएं और एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, तो इस तरह भी एक अर्निंग का तरीका है। सेकेंड मेथड जो मेरे नज़दीक है वो फेसबुक के जरिए आप कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आपने आपका अकाउंट बनाया हुआ है, नहीं बनाया हो तो बना लें आप। बनाने के बाद आप उसमें पेजेस बनाने होते हैं, आप पेजेस बना करके आप उनकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो, तो आप वहाँ पे सेल करवा करके भी कमीशन जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज में बिजनेस पेज बनाने का तरीका मैंने अपनी वीडियो एक बनाई है लास्ट कुछ दिन पहले ही, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। तो उसमें अब फेसबुक मार्केटिंग भी आजकल काफ़ी मकबूल है, यानी कि चीज़ें सेल करने के हवाले से, चाहे आप पाकिस्तान में रहकर करना चाहें ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, और पूरे वर्ल्ड में करना चाहें अगर आपके दोस्त पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर हैं तो अपने प्रोडक्ट को बाहर भी सेल करवा सकते हैं। तो इस तरह फेसबुक पर अगर आप मार्केटिंग करें और डेली बेसिस की बुनियाद पर अगर आप इस पर पोस्ट लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर सेल निकल के आएगी आपके सामने और कमीशन आपको मिलेगा। तीसरी YouTube के जरिए, YouTube पर अगर आप कोई ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, आप उस प्रोडक्ट का डिटेल दें, आप उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाएं, वीडियो बनाने के बाद उनका आप उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चीज़ के बारे में लिखें और उसका जो टाइटल है वो उसी तरह का बनाएं जो चीज़ आप बेच रहे हैं, उसके टैग्स बनाएं, आप उसकी वीडियो को उसकी जो अगर क्लॉथिंग है तो क्लॉथ की जितनी भी डिज़ाइंस वगैरह हैं, यानी कि आप एक वीडियो जिस तरह आराम से बनाते हो उस तरह बना लें, 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो आप बना लें, आवाज़ के साथ बना लें या बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बना लें, और आप उसमें जो भी लिंक देना चाहेंगे, यानी कि अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे उस वीडियो को देख करके तो वो एक ऐसा लिंक आप उसको दे दें कि वो उस वेबसाइट पर चला जाए, उसके ज़रिए परचेजिंग कर ले जहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ एफिलिएट। ये भी एक तरीका है, प्रमोशन भी हो जाती है और उससे सेल्स के चांसेस निकल जाते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते कि जी मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकता, मेरे पास साइट नहीं है या मेरी दिलचस्पी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लेंगे, फ्रीलांसर आपने ज़रूर सुना होगा नाम, फ्रीलांसर वर्कर जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में हैं और एक अच्छी खासी आमदनी जो है वो पूरी दुनिया में लोग फ्रीलांसर के ज़रिए हासिल करते हैं। आप उसमें अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। फ्रीलांसर जो हैं आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको upwork.com ये एक मशहूर साइट्स है, upwork.com जो है इनके पास काफ़ी काम मौजूद है यहाँ पर। अब इसमें तो एक तरीका ये है कि अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सहूलत दे सकते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सहूलत दे सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई कंपनी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद उन सारा काम कर सकें या आप एम्प्लॉयज रख सकें या आप छोटा मोटा कोई कारोबार करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इतना टाइम नहीं कि मैं खुद बैठ के सारा मैनेज करूँ या मैं अपने वर्कर्स रखूँ या उनको तनख्वाह दूँ, तो आप अपना काम इनके ज़रिए भी करवा सकते हैं। इसमें जब आप अकाउंट खोलेंगे तो वो आपसे खुद पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं यानी कि अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं काम करने के लिए या आप काम करवाना चाहते हैं, हायर प्रोजेक्ट होता है जब आप साइन अप करेंगे तो यहां से आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो आपसे यहाँ दो चीज़ें पूछेंगे,
कि आप, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए वो शो नहीं कर रहा, लेकिन जब आप बिल्कुल नहीं होंगे, आप इसको टच करेंगे, आप क्लिक करेंगे, तो आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप काम करवाना चाहते हैं, आप हायर करना चाहते हैं किसी को या फ्रीलांसर। तो आप अगर काम करना चाहते हैं आप फ्रीलांसर पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एक मशहूर और साइट है fiverr.com, upwork.com, fiverr.com और freelancer.com। ये तीनों इसी तरह की साइट्स हैं जो कि जहाँ पे आप काम करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, इनसे खदमात ले भी सकते हैं। इसी तरह की ये भी फाइबर भी एक इसी तरह की साइट से जहाँ पे आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, और छोटे छोटे काम हैं जिनके काफ़ी पैसे आपको मिल जाते हैं। 5 डॉलर का काम भी होता है, 10 डॉलर का काम भी होता है, 50 डॉलर का भी है, 100 डॉलर का भी है। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपने कुछ ऐसा सीखा हुआ है, अगर आप डेवलपर्स हैं, आप इसके अलावा आप या टाइपिस्ट हैं, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं, आप PDF काम कर सकते हैं, ये छोटे छोटे काम हैं जो अगर आप करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, और आप मंथली आराम से जो है कम से कम 200-250 डॉलर अर्न कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको सर्फिंग करना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे देंगे या 1 घंटे भी देंगे, तो आप आराम से कम मैं समझता हूँ कि 200-300 डॉलर आराम से निकाल लेंगे। तो ये फ्रीलांसर जो है, या यहाँ पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं साइन ज्वाइन होकर के। इसी तरह एक और है freelancer.com, यहाँ से भी आप इसी तरह से अपना, ये देखिए आप यहाँ पे लिखो आई वॉन्ट टू हायर, आप काम करवाना चाहते हैं। इसी तरह से अपवर्क के अंदर भी है, फाइवर के अंदर भी है। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं वर्क करना चाहता हूँ, अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर लें। आप किसी को हायर करना चाहते हैं, आप काम करवाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर लें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप उन काम को समझ के करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली कुछ वीडियोस में इरादा है कि मैं कुछ ऐसे बनाऊं जिसमें एफिलिएट किस तरह से कर सकते हैं, फेसबुक पे हम किस तरह से इसको अर्न कर सकते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं, यूट्यूब पे किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये वन बाय वन एक एक वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूँगा, सीरीज़ होगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप उसको देखिएगा, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें जो आपको पसंद आए, जो आप कर सकते हैं, जो आपके स्किल्स हों, जो आपकी सलाहियतें हों, या जो आपको इजी लग रहा हो, आप उन पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद रखें कि आपकी आमदनी भी अच्छी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने लाइक्स भी मुझे दें, अपने कमेंट्स भी मुझे दें, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने कमेंट्स आप मुझे ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने ये भी आपके सामने ऑनलाइन अर्निंग के जो तरीके हैं पाकिस्तान में रहकर हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से साइट पर काम कर सकते हैं, कौन से तरीके अख्तियार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह बताऊँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।